नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए डालते हैं नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। कोरोना से जीती जंग, लगातार दो रिपोर्ट नेगेटिव आने पर निजामुद्दीन हुआ डिस्चार्ज। सरसों खरीद सेंटरों में मजदूरों की नहीं होगी कमी, ग्रामीण परचेज सेंटरों में मनरेगा के मजदूरों एवं पंचायतें करेंगी सहयोग। कोरोना वायरस में लॉकडाउन के चलते चरखी दादरी में गरीब परिवारों की हालत हुई काफी बदतर, जीवन हुआ अस्त व्यस्त। भिवानी हलचल न्यूज चैनल की अपील पर ब्लड बैंक में रक्त कोष हुआ पूरा, डॉक्टर एवं रक्तदाताओं ने जताया भिवानी हलचल का आभार। चरखी दादरी के एडीसी ने सब्जी मंडियों में जाकर सरसों की फसल की खरीद का लिया जायजा। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से पालना करते हुए भिवानी भीमराव अंबेडकर समिति द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। और अब खबरें विस्तार से। नगर के लिए राहत की बड़ी खबर ये है कि डॉक्टर्स की मेहनत रंग लाई और कोरोना पॉजिटिव के दोनों लोगों ने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली है। जहां कुछ दिन पहले एक कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, वहीं दूसरे मरीज की रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई और उसे आज डिस्चार्ज कर भेज दिया गया। आपको बता दें कि भिवानी में 2 अप्रैल को मानहेरू गांव में निजामुद्दीन और संडवा गांव में अब्दुल्ला जमात से आए थे और उनके सैंपल रिपोर्ट 3 अप्रैल को पॉजिटिव आई थी तथा इन दोनों लोगों को चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया था, किंतु चिकित्सकों ने कोरोना के इन दोनों पॉजिटिव लोगों का उपचार करके तथा लगातार इनकी 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने पर 4 दिन पहले अब्दुल्ला को और आज इसी प्रकार निजामुद्दीन को चिकित्सकों ने फूल देकर अस्पताल से डिस्चार्ज कर उनके घर 14 दिन क्वारंटाइन के लिए भेजा गया। गौरतलब है कि दोनों पॉजिटिव लोगों के ठीक होने के बाद भिवानी जिला कोरोना फ्री हो चुका है, जो बड़ी राहत की बात है। वहीं सीएमओ जितेंद्र कादियान ने बताया कि कोरोना के दोनों केस ठीक होने पर उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला कोरोना फ्री होना खुशी की बात है, लेकिन लापरवाही की नहीं। आज भी देश के कई जिलों में कोरोना के बहुत से केस हैं, ऐसे में ये मानकर कि हमारा जिला कोरोना फ्री है किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। भिवानी प्रशासन, हेल्थ विभाग और सरकार के और हमारे जो हेल्थ की टीम है उनके सहयोग से हमारे दो पॉजिटिव थे, दोनों अब नेगेटिव में कन्वर्ट हुए। निजामुद्दीन का भी जो सेकंड सैंपल था वो आ चुका, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो प्रोटोकॉल और नियम के हिसाब से अब इसको 14 दिन के लिए घर पे क्वारंटाइन करेंगे, हमारी टीम उसको डेली मॉनिटर करेगी। तो आज के दिन सिचुएशन देखते हुए भिवानी में कोई कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं है। भिवानी में क्वारंटाइन पे थे 18 पेशेंट, उनके भी जैसे लोहानी में, अब उनको भी आज शायद छुट्टी कर देंगे क्योंकि उनका भी टाइम पूरा हो चुका है हमारा। तो सिचुएशन ओवरऑल देखो तो भिवानी की आप सबके सहयोग से, पब्लिक के सहयोग से ठीक चल रही है अभी हमारी। तो सर, लोग ये सोचते कि अब कोई पॉजिटिव नहीं है तो कोई लापरवाही नहीं बरते, तो क्या? नहीं नहीं, अभी इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान रखना है। अभी तो सरकार की वजह से गए लॉकडाउन तो बढ़ा दिया गया, अभी प्रिकॉशन से हमने जो चल रही है वैसे की वैसे रखनी है। इसमें कोई ढिलाई किसी भी तरीके की हुई तो सिचुएशन कभी भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि और जो स्टेट हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं ऐसे जिसमें केसेस आए जा रहे हैं, तो इस मान के कि ये भई हम बिल्कुल ही ठीक हो गए और सारी चीज़ें ऐसी होगी, ऐसा अभी नहीं करना है। जो भी प्रिकॉशंस हैं जो प्रशासन जारी करता है, जो निर्देश या फिर स्वास्थ्य विभाग, उसका भी पब्लिक को पालन करना है और इसी तरीके से जैसे पीछे देरिया बनाए रखा है इसी तरीके से देरिया बना के रखना है।
कोरोना वायरस से बचाव, लॉकडाउन की पालना, इन सबका ख्याल रखते हुए जिले में सरसों की खरीद का कार्य शुरू कराया गया है। प्रशासन द्वारा ग्रामीण इलाकों में भी परचेज सेंटर बनाए गए हैं, साथ ही मनरेगा मजदूरों को भी काम पर लगाया गया है। वहीं इन सबके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा जा रहा है, ताकि खरीद के इस कार्य में कहीं भी कोई भी समस्या न आने पाए। कोरोना के कहर के चलते भिवानी जिले में सरसों की खरीद शुरू हो गई है। इसमें मंडियों में मानव जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा बने कोरोना वायरस को देखते हुए जिले के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी परचेज सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें मजदूरों एवं लाइटों का विशेष प्रबंध किया गया है। वहीं जिला उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि परचेज सेंटरों पर मजदूरों की किसी प्रकार की कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। साथ ही इस काम के लिए मनरेगा के मजदूर एवं पंचायतों को विशेष प्रबंध करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं मजदूरों एवं किसानों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह पालना करते हुए सरसों खरीद का काम पूरी शक्ति से शुरू कर दिया है, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सरसों की खरीद जो है हमारे ज़िले के जो जितने हमने मंडियां परचेज सेंटर बने हैं उसमें शुरू हो चुकी है, और 25-25 किसान जो हैं 25 सुबह 25 शाम को दो स्लॉट में लेके आएंगे, और बेसिकली सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें पूरा ख्याल रखा जाएगा, और जो गेट पे आने वालों को सैनिटाइज उनके हैंड सैनिटाइज कराए जाएंगे, और साथ में मास्क भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं किसानों के लिए उन सभी का प्रबंध किया गया है, पानी का उसमें प्रबंध है, एंड बाकी जो सरसों लेके आ रहे हैं उसमें जो भी सभी खरीद एजेंसियां हैं वो अपना कार्य इसमें सुचारू तरीके से कर रही हैं। सर, मजदूरों की काफ़ी समस्या आने की बातें आ रही थी। अब मजदूरों की जो समस्या से निपटने के लिए हमने इसमें ग्राम पंचायतों को रोप इन किया है, और पंचायतों की तरफ से भी इसमें सहयोग दिया जा रहा है। इनफैक्ट हमारे कुछ जो परचेज सेंटर्स हैं, लगभग 8 के करीब परचेज सेंटर्स हमारी ग्राम पंचायतें ही उसमें चला रही हैं, तो और बाकी जो परचेज सेंटर हैं वहाँ भी उनका पूरा सहयोग है जो गांव में हमारे बने हैं, और अपनी तरफ से जो नरेगा के मजदूर हैं या गाँव के और इच्छुक लोग हैं जो ये कार्य करना चाहते हैं वो भी इसमें आगे आ रहे हैं। नहीं, जॉ का भी जो बताया इन्होंने कि हमारी सेक्रेटरी बता रहे हैं कि इसमें प्राइवेट परचेज अभी शुरू नहीं है, गवर्नमेंट की परचेज है, मस्टर्ड की है वो शुरू हुई है, और गेहूं की जो परचेज है वो 20 से शुरू है। दीप सिंह, गांव डाणा, नरसान। 5 किलो हम सरसों थी, 40 कुंटल है, और बढ़िया सुविधा है, एक एक करके सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल आरामदारी से सरसों की खरीद कर रही है गवर्नमेंट, इसमें किसी की को भी कोई परेशानी नहीं है। लॉकडाउन के 23वें दिन जहां आम जन को तो थोड़ी बहुत परेशानियां आ ही रही हैं, वहीं हर रोज मेहनत करके खाने वाले लोगों के लिए तो समस्या गंभीर बन गई है। दादरी जिले में भी काफी जरूरतमंदों तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है। उपायुक्त चरखी दादरी का कहना था कि जिन लोगों तक राशन नहीं पहुँच रहा है वे हेल्पलाइन नंबर के जरिए राशन की मांग कर सकते हैं। आज लॉकडाउन का 23वां दिन है, और इस दौरान क्षेत्र की गरीब जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार और प्रशासन के द्वारा ऐसे लोगों के लिए राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, परंतु वहां पर उन्हें केवल गेहूं दिया जा रहा है तथा सरकार द्वारा दी जाने वाली दाल का कोई अता पता नहीं है। वहीं कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनका पहले राशन कार्ड बीपीएल कैटेगरी में था, परंतु जब से ऑनलाइन राशन कार्ड बनने शुरू हुए उसके बाद उनका राशन कार्ड एपीएल श्रेणी में आ गया है, जिसकी वजह से उन परिवारों को किसी भी तरह का कोई राशन उपलब्ध नहीं हो रहा है। 3 साल करीब हो गए जी। तो क्या कहा जाता है वहाँ पे जब आप लेने जाते हो राशन? मैं जाता हूँ भाई साहब, तुम्हारा कार्ड कटा हुआ है, कुछ नहीं मिलेगा। किस कारण से कटा, आपने पूछा है क्या? नहीं, ये नहीं, उधर भी गया था मैं, वहाँ पे जिसका ऑफिस है ना जी, नाम देखा था भाई, मेरा नाम से भाई राशन कटा हुआ है जी, खुद भी उन्होंने चेक कराया था, तेरे नाम में नहीं है जी। तो दोबारा बनवाने की कोशिश की? नहीं, मैंने नहीं, टाइम नहीं मिला, एक तो जी मजदूरी करते हैं ना, टाइम कहाँ मिलेगा। तो अब राशन का कैसे इंतजाम कर रहे हो? राशन तो पहले तो पैसे तो कुछ उसका तो लिए आए थे, वो खत्म हो गया, फिर भाई साहब ने दिलवाए थे। किन्होंने दिलाया था? उमेश ने, इन्हें एमसी ने। अच्छा, आपके एमसी ने दिलाया? हाँ जी जी। इन्हें तो फिर एक यार दोस्त ने दिए थोड़े पैसे जी, उन दो तो लिए आए। देखिए सर, राशन कार्ड जहाँ कटने की बात है तो समय समय पर जो है सर्वे होती रहती है सरकार की तरफ से, उसमें कुछ कार्ड सरकार की तरफ से काटे भी जाते हैं और बहुत से कार्ड जोड़े भी जाते हैं, बीपीएल सूची में दर्ज भी किए जाते हैं, और जो काटने जोड़ने का काम है ये अतिरिक्त उपायुक्त महोदय के कार्यालय द्वारा किया जाता है। हमारे पास सूची आती है कि ये परिवार हैं जो सूची में शामिल किए गए हैं, तो उनको हम बीपीएल एवाई जो भी कैटेगरी के कार्ड बनते हैं उनको जारी कर देते हैं,
अगर किसी कार्डवश ऑनलाइन नहीं हुआ है, राशन कार्ड उनका ऑलरेडी बीपीएल या एवाई का जो भी कैटेगरी का बना हुआ है और ऑनलाइन नहीं हो पाया है, तो हम उसको कार्यालय में उसके डॉक्यूमेंट्स लेके उसको दुरुस्त कर देंगे। जी मेरे पास 1 तारीख से जो इस महीने का जो फ्री का वितरण शुरू हुआ था, उस इस महीने का मेरे पास है ना जो गेहूँ आया था वो मैंने घर घर जाके वितरण कर दिया है सभी को, किसी की कोई शिकायत नहीं है। बस शिकायत है कि जो बाहर के कार्ड हैं जो यहाँ पे शहर में रह रहे हैं, जो 25 से 30 कार्ड हैं वे राशन से वंचित हैं, वे हमारे को आकर बोल रहे हैं कि भाई आप राशन दो, लेकिन हमारी मजबूरी भाई साहब ये है कि हम जो बायोमेट्रिक का जो कर दिया है कि जो राशन डिपो धारक वही दे सकता है जिसके राशन कार्ड में उसके रिकॉर्ड में नाम हो, आधार तो हम नहीं दे सकते। तो ऑनलाइन होता था पहले, तो वो अब ऑनलाइन क्यों नहीं हो रहा सर? ये ऐसे बायोमेट्रिक का कर दिया कि जिसका कार्ड जहाँ है ना वहीं से वो अनाज प्राप्त कर सकता है, तो यहाँ 30-40 कार्ड ऐसे हैं कि वे राशन से वंचित हैं, वे बोल रहे हैं कि भाई हमें भी यहाँ पे दो, हमारी मजबूरी है हम उनको यहाँ पे दे नहीं सकते जी। और अब दफ्तर से आदेश आए हैं कि भाई आपको कुछ दिन में दाल और नमक भी मिल जाएगा और तेल चीनी, हम फिर ये 15 तारीख के 14 तारीख को जो हमें रिसीव होगा हम उसको वितरण कर देंगे। कारण क्या बताऊं, गरीब आदमी हम मजदूरी करना रहे हम तो जी, पैदी में जाकर तो ऑनलाइन पैसा कोटा का दाना वो भी 3 महीना हो गया वही बंद हो रहे सर। बड़दू गांव जोगी बड़दू लुहारू तो, आगे अच्छा अपना मेरो एक लीक है सभी 35 किलो में जाकर दो। अच्छा, और अब वो भी नहीं मिल रहा, चीनी की में 1 किलो चीनी एक बोतल तेल की या मिल जाएगी ठीक है। गरीब भाई बेटा 3 महीना हो गया अपन तो कुछ नहीं मिला, तू दारो ले कई किसा का आधे जाऊँ किसा का किलो जाऊँ जी, ताकि मैं भी कौन सा ना कि किसी को 5-10 किलो उधार लेके पिछावा तो ठीक है सर। ऑनलाइन ही दादरी से ही लेते थे सर, ऑनलाइन लेते थे तो अब नहीं मिल रहा ऑनलाइन, यहाँ पर नहीं मिल रहा सर, अब वो बोल रहे हैं कि गांव से ही मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहाँ से लेते थे, कौन से डिपो होल्डर से लेते थे ऑनलाइन? नवीन है सर यहाँ पे जी, तो अब उनसे जब बात करी तो वो क्या कह रहे हैं? वो बोल रहे हैं यहाँ पर नहीं मिलेगा, गाँव में ही मिलेगा। अच्छा, और इस बारे में उच्च अधिकारियों को कहीं सूचित किया फिर आपने इस बारे में? सर हमारे वार्ड का MC सर उसको सूचित किया था, तो क्या कुछ अब कहा जा रहा है इस बारे में? इस बारे में सर कुछ नहीं बोला जा रहा सर जी। तो अब आप लोग यहाँ पे क्या काम करते हो? मैं सर मजदूरी करता हूँ। और जो बाकी परिवार के सदस्य? पापा भी सर, जी। तो अब कमाई का कोई साधन है? नहीं सर, अब तो कोई नहीं है, लॉकडाउन लगा हुआ ना सर जी। तो अब राशन का कैसे इंतजाम कर रहे हो आप लोग? कुछ नहीं सर, चला रहे गुजारा सर ऐसे ही। अच्छा, तेल और चीनी नहीं आ रही है? नहीं आ रही। क्या नाम अपना? सरोज। वार्ड कौन सा है? 13। चीनी जी और तेल जी और 25 किलो कणक। 25 किलो और 5 आदमी ठीक है। और क्या उनके पैसे लिए गए थे आपसे? ना पैसे नहीं लिए गए, फ्री में मिला है। फ्री में मिला जी, हमने ना तो तेल मिला जी, ना हमने चीनी मिला, हमने कुछ नहीं मिला, 25 किलो गेहूं मिला जी। तो क्या क्यों नहीं मिल रहे बाकी चीजें आपको? हमने के पता जी, वो ना थोड़ा राशन कट रहे साथ। अच्छा, हमने ये दे रहे थे बस और कुछ नहीं दे रहे थे। वहीं जब इस बारे में राशन डिपो होल्डर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पास जितने भी लोगों का रिकॉर्ड है वे उन सब तक राशन पहुंचा चुके हैं, तथा जिनके घर बंद मिले वे उन लोगों तक भी राशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, क्या नाम है अपना? राजेश कुमार। राजेश जी, कितना राशन आया हुआ है अब सरकार की तरफ से जो बांटने के लिए आया हुआ है? सरकार की तरफ से एवाई के कार्डों के लिए जी, स्टेट BPL, CBPL और OPS कार्डों के लिए सामान आया हुआ है। कितना सामान आया हुआ है? एवाई के लिए 35 किलो गेहूँ, 2 किलो तेल, 1 किलो चीनी। तो क्या फ्री में दिया जा रहा है? फ्री। कुछ कंसेशनल रेट पे भी देने की कुछ बातें हुई थी? नहीं, अभी हमारे पास कंसेशनल रेट के लिए कोई नहीं। उनका कैसे क्या किया? ऐसा है जी, अब 19 तारीख के बाद ऑनलाइन बंद हो गया है जी, तो वो जहाँ पे जिसका राशन कार्ड है डिपो के अंदर वहीं से वो प्राप्त करेगा जी। तो यहाँ से नहीं मिल सकता उनको? ना, उनको यहाँ से नहीं मिलेगा। अब तक 99% लोग इसका लाभ उठा चुके हैं जी, 1-2% रह चुके हैं, उनके घर में अभी भिजवा देंगे। तो कैसे राशन उन तक पहुँचाया जा रहा है? राशन उनको हम यहाँ बैग तैयार करके और उनके घर वितरण कर रहे हैं। तो आप लोगों को खुद जाना पड़ता है वहाँ पर? हाँ, हमें खुद जाना पड़ता है जी। और जो लोग बाहर के हैं और यहाँ पर आपसे अगर राशन लेने के लिए आ रहे हैं तो क्या उनको भी दिया जा रहा है? नहीं, उनको वहीं से ही मिलेगा जहाँ के वो है।
जी, तो उनका किस तरीके से, अगर वो यहाँ लॉकडाउन में फंसे हुए हैं तो कैसे उनका कुछ किया जा रहा है अभी? उसका तो हमारे पास कोई, आपको कोई नहीं बताया गया? बताया नहीं गया सरकार की तरफ से। सर, राशन को लेकर के मेरे वार्ड में बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जी। सबसे पहले तो जिनको राशन मिलता है उनको अब तक सिर्फ गेहूँ गेहूँ मिले जी, दाल नहीं मिली, तेल नहीं मिला, चीनी नहीं मिली, तो क्या गेहूँ अकेला खाएं? मैं तो पहली बात तो सरकार से यही कहूँगा कि अगर राशन पहुँचाना है तो पूरी पहुँचाओ, कि कम से कम वो दाल चीनी नमक में डाल के कुछ खा तो ले जी। उनके पास कुछ खाने के गेहूँ के अलावा कुछ है ही नहीं जी। आज जैसे ही आज मेरे डिपो वाले से बात हुई थी कि भाई आज चीनी और तेल ये दो चीज़ें आई, नमक और दाल आज आप भी नहीं आई है, तो वो गेहूँ किस चीज़ से खाएं? पहली बात तो ये जी। दूसरी बात, मेरे वार्ड में ऐसे बाहर से आए हुए लोग रहते हैं जिनका कार्ड और गांव में है, लॉकडाउन के दौरान वो गांव में जा नहीं सकते और यहां उनको राशन नहीं मिल रहा जी। मैं पर्सनली डीसी साहब से मिला था इस बारे में जी। डीसी साहब ने कहा कि भी आप उनकी लिस्ट बनाओ और मेरे को दो और मैं उनका राशन मंगवा दूंगा। ठीक है सर, आपकी बात वाजिब है, आप मंगवा दोगे। ठीक है, अगर आज मैं लगूँ तो मेरे को एक या दो दिन लिस्ट बनाने में लग जाए, एक या दो दिन डीसी साहब को लग जाएंगे, तो क्या चार पांच दिन तक वो भूखे रहे? मेरे वार्ड में हरे कार्ड जिनके ऊपर कुछ नहीं मिलता उनके पास भी आज कई घर ऐसे हैं जो दाने दाने को मोहताज है। वहीं जब इस पूरे मामले के बारे में चरखी दादरी उपायुक्त श्यामलाल पुनिया से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सभी लोगों को राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिनको राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है वह अपनी शिकायत प्रशासन द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं, जिसके बाद उन्हें मदद पहुंचाई जाएगी। वहीं उन्होंने दूसरे जिले के राशन कार्ड धारकों के लिए कहा कि वार्ड पार्षद या कोई भी ऐसे लोगों की हमें लिस्ट उपलब्ध कराए तो हम फूड एंड सप्लाई विभाग से बात कर ऐसे लोगों को भी राशन उपलब्ध करवाएंगे। जो सरकार के द्वारा जो चीजें जो दी जानी उनके अलावा कोई, हम अपनी तरफ से कोई प्रोविजनिंग नहीं कर सकते, वो अपने आप से जो लोग हैं अपने आप से मैनेज भी कर रहे हैं, जो दाल खाने वाले दाल भी कर रहे हैं, तो उसमें कोई अलग से हम अपनी तरफ से प्रोविजनिंग नहीं कर सकते। हाँ जी, अप्रैल तो हमने हमें जो डीएफएससी ने बताया था वो ये था कि सभी जो आवश्यक वस्तुएँ जो ऊपर से सप्लाई आ रही है वो सप्लाई हो रही है जी। तो आपने हमें बताया तो डीएफएससी से आज ऐसा पता लगा लेते हैं, आपको सूचित कर देंगे। ऑफलाइन का भी हमें एक दो पार्षद महोदय ने भी हमें सूचित किया था इस बारे में जी कि ऐसी कोई दिक्कत आ रही, तो हमने उनसे अनुरोध किया था कि आप जो भी ऐसी लिस्ट है जिस आदमी के पास अपना राशन कार्ड कहीं पर भी है स्टेट में, तो ऑनलाइन पहले मिल रहा था यहाँ पे, अभी वो ऑनलाइन सिस्टम बंद हो गया, तो उसमें उसकी डिटेल हमें मिल जाए तो डीएफएससी से करके जो भी आवश्यक उसमें बनता है लोगों को राशन पहुँचाने का हम कार्य करेंगे। तो व्यवस्था सीधी सी है, इसमें जो बीपीएल जो राशन डिपो से जिसको राशन मिल रहा है उसको सरकार की तरफ से स्पष्ट है कि उसको ये राशन ना दिया जाए। जो आप बता रहे हैं एपीएल के लिए दो तीन पार्षद महोदय भी हमसे मिले थे जी। उनको भी हमने यही अवगत कराया था कि जो जेन्युइन आपको लगता है कि आपके वार्ड में कोई आदमी को वाकई दरकार है जी। तो आप उसकी सूची बनाकर नियंत्रण कक्ष में भिजवा दीजिए, वहाँ से वेरिफिकेशन के बाद उनको दे दिया। यूं तो रक्तदान के लिए जिले के लोग अक्सर तैयार ही रहते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते ब्लड बैंक में रक्त की कमी ना हो इसके लिए सामान्य अस्पताल में रक्तदान शिविर भी लगाया जा रहा था। भिवानी हलचल द्वारा भी लगातार इसके लिए अपील की जा रही थी। गुरुवार को नगर के ब्लड बैंक में खून की यूनिट्स पूरी कर ली गई, जिसके लिए चिकित्सकों और समाज सेवी राजेश डुडेजा ने रक्तदाताओं और भिवानी हलचल का खास तौर से आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि ब्लड बैंक में रक्त की कमी होते ही भिवानी में रक्तदाताओं की लाइनें लग जाती हैं तथा पिछले एक हफ्ते से लॉकडाउन के दौरान रक्त की आवश्यकता ब्लड बैंक में निरंतर होती रहती है। इसी कड़ी में डॉक्टरों एवं रक्तदाताओं ने शहरवासियों से अपील करते हुए रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक किया। वहीं डॉक्टरों एवं रक्तदाताओं ने भिवानी हलचल टीम से शहरवासियों को रक्तदान की इस मुहिम में लोगों को जोड़ने के लिए कहा। परिणामस्वरूप भिवानी हलचल द्वारा लोगों को लॉकडाउन के चलते न्यूज चैनल के माध्यम से जागरूक किया गया तथा राहत की बात यह है कि इस मुहिम के चलते ब्लड बैंक में रक्त कोष पूरा हो गया है। हाँ जी, अभी हमारे पास जो है, जैसा कि आप लोगों की अपील के बाद जो है हमारे पास काफ़ी डोनर्स यहाँ पर आ रहे हैं और डेली जो है हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए चार चार पांच पांच डोनर्स को ट्रीट कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारे अब तक ब्लड बैंक में रक्त की कमी नहीं हुई है और हम यहाँ अपने भिवानी के अलावा दादरी की भी डिमांड पूरी करते हैं, बाहर से भी जो आ रहे हैं सबकी डिमांड जो है पूरी कर रहे हैं और आज भी हमारे जो है 86 यूनिट्स अभी हैं और डेली हमारे 6 से 7 यूनिट्स जो हैं हम उनको दे रहे हैं। मेरा डॉक्टर मोनिका, मैं राजा टुडेजा, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ब्लड डोनर का ग्रुप बनाया हुआ, दो ग्रुप बनाया, तो मैंने ब्लड डोनर से अपील की और भिवानी अंचल चैनल से मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट की कि आप चैनल पर चलाएं ताकि ब्लड डोनर शहर से निकलकर ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करने आए और मैं स्वयं ब्लड
भिवाणी अंचल का भाई हूँ, इन्होंने समय समय पर, मैंने दो चार बार जब भी कहा तभी पट्टी चैनल पर पैकिंग चलाई और यहाँ ब्लड डोनेट करने आए। चरखी दादरी की मंडियों में भी सरसों की फसल की खरीद का कार्य शुरू कर दिया गया है। लॉकडाउन के चलते जिन किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा था, आज उन्हीं की फसल की खरीद की गई। वहीं कोरोना वायरस से बचाव के मद्देनजर रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा गया। आपको बता दें कि चरखी दादरी मंडियों में सरसों की फसल की खरीद का जायजा लेने पहुंचे ADC इमरान राजा ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, उनको चरखी दादरी अनाज मंडी में अढ़ाती हुए किसानों का समन्वय करते हुए किसानों की सरसों की फसल की खरीद शुरू कर दी गई है। वहीं चरखी दादरी अनाज मंडी प्रधान राजकुमार टोलिया ने बताया कि सभी आला अधिकारियों ने यहां पहुंचकर ऑर्डर देने का पूरा आश्वासन दे दिया है। सरकार ने जिस प्रकार से अलग अलग मंडियों को प्रदेश के लिए बनाया गया है, उसी के हिसाब से किसान अपनी सुविधा के साथ मिलकर अपनी फसल यहां बेच सकते हैं। वहीं यह कार्य भी सुचारू रूप से शुरू हो गया है। चरखी दादरी की मेन मंडी में हमारे 14 गेट पास एंट्री हो चुकी है। अटेला में हमारी 1 हो चुकी है। जावा में हमारी 8 एंट्री हो चुकी है। बेरला में 2 एंट्री हो चुकी है। जीकर में 1 चरखी में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की और साइट नहीं करने के लिए इसमें लगभग स्कूलों में सेंटर बनाए हुए हैं जहाँ पे पहले ही इंटरनेट की जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। हमने सभी प्रिंसिपलों से कॉन्टेक्ट कर रखा है और वो भी वहाँ से बनाते हैं। वेयर हाउस वाला बोला हम 9 रुपये 5 पैसे देंगे, जो सरकार के अफसरों ने, खुदलर साहब ने, जनरल प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हमारा कमीशन 35 रुपये 35 पैसे नक्की किया था, परंतु उन्होंने बोला हमें 1 पैसा नहीं दिया, हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं। ऐसे ही एफेट वाले बोले। फिर हमने CTM साहब से बात करी, DC साहब से बात करी, ADC से बात करी, उन्होंने कहा आपको जो कमीशन तय हुआ है वो पूरा मिलेगा। फिर इन्होंने यह आकर के हमारे को आश्वासन दिया और DM साहब ने कह दिया कि हम लिख के दे देंगे। 55 की जगह 40 रुपये तो आपको एफेट देगी और 55 रुपये 35 पैसे एफेट और वेयर हाउस देगा, ना कि आपकी तीनों एजेंसियों से 55 रुपये 35 पैसे। फिलहाल यहाँ प्रशासनिक आसन दिया गया है कि आप खरीद करो, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। इनका लिखने से क्या होता, हम बैठे हैं उनके ऊपर, आपका 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। आपको जो निर्धारित किया गया है वो आपका 1 पैसा लेबर समेत। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से पालना करते हुए भिवानी भीमराव अंबेडकर समिति द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर समिति सदस्य सुरेश चंद्र दुलगच ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए शहरवासियों से भी सोशल डिस्टेंस बनाए रखने और लॉकडाउन की पालना करने की अपील की। हरियाणा भीमराव अंबेडकर समिति की तरफ से आज हमारे लिए भगवान दलितों के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्री बराड़ा जी ने हमारे को आश्वासन दिया था, सभी गलियों के अंदर, अपने घरों के अंदर दीवे चलाकर बाबा का एक नाम ऊंचा किया, जो कि हम पूरे प्रदेश के सभी वासियों से अनुरोध करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान बाबा साहब का नाम लीजिए ताकि दलितों की आवाज़ उठ सके। और हम हरियाणा सरकार से ये मांग करते हैं कि जो कि कच्चे कर्मचारी हैं, ठेकेदारी पड़ताल पर लगे हुए हैं, आप उनको परमानेंट किया जाए। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। कोरोना से जीती जंग, लगातार 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने पर निजामुद्दीन हुआ डिस्चार्ज। सरसों खरीद सेंटरों में मजदूरों की नहीं होगी कमी, ग्रामीण परचेज सेंटरों में मनरेगा के मजदूरों एवं पंचायतें करेंगी सहयोग। कोरोना
वायरस में लॉकडाउन के चलते चरखी दादरी में गरीब परिवारों की हालत हुई काफी बदतर, जीवन हुआ अस्त व्यस्त। भिवानी हलचल न्यूज चैनल की अपील पर ब्लड बैंक में रक्त कोष हुआ पूरा, डॉक्टर एवं रक्तदाताओं ने जताया भिवानी हलचल का आभार। चरखी दादरी के एडीसी ने सब्जी मंडियों में जाकर सरसों की फसल की खरीद का लिया जायजा। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से पालना करते हुए भिवानी भीमराव अंबेडकर समिति द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।